रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब लोग आज जो है, मैं किचन में थोड़ी सी चेंजिंग करने लगी थी। रमज़ान आने वाला है तो मैंने सोचा कि चेंजिंग्स कर दें। पहले डाइनिंग टेबल मेरा ब्लैक था, तो वो एक जिस चीज़ को देख देख के दिल भर जाता है इंसान का, चेंज चाहता है इंसान। फिर मैंने बहुत सारी जगहों पर इसका टेबल कवर ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी अच्छा नहीं मिल रहा था। बहुत ना बड़े बड़े फूलों वाला और इस किस्म के थे, मतलब ना बहुत फ्लोरल थे, तो वो इतना प्रिंटेड, फिर उसको आप उस पर चीज़ें भी रखो तो बहुत एक कंजस्टेड फीलिंग आती है। फिर जो है ये फाइनली मैं गई हूँ, अच्छा इंतजार से मैंने ढूंढिया, वहाँ मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैं फाइनली गई हूँ क्लिफ्टन चेजअप पे मैं जाके मैंने प्रिंट्स वगैरह देखे, तो ये फाइनली मुझे मिला है। क्लोज करके दिखाती हूँ, ये मुझे अच्छी तरह याद नहीं है कि ये 500 का था कि 600 का। तो ये येलो में भी था जो इस पर नज़र आ रहा है, और लेकिन मैंने ये वाइट में लिया है ना, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ब्लैक से फिर चेंज हो तो अच्छी लुक आए, चेंज हो। तो मैं इसको बिछाती हूँ। ये मेरे ख्याल से, मुझे सही याद नहीं है, 500 या 600 का था मैक्सिमम, इससे ज्यादा का नहीं है। मतलब अफोर्डेबल भी है और अच्छा भी। मतलब कि सामने में ओपन कर ये लिखी हुई है, इसकी प्राइस मिल गई। और कैमरा इसको पिक कर रहा है 799 का, 800 का लिखा हुआ है। ठंडा प्यारा सा कलर है ना, आंखों को भी ठंडक का एहसास होगा। बीच ब्लैक ब्लैक देख देख के ना दूर हो गया, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिया है इसका। जो भी चेंजिंग मैं करूंगी आप लोगों को बताती रहूंगी धीरे धीरे से। आज जो है घर के सारे काम खत्म हो गए थे अभी शाम में, तो जो भी चेंजिंग वेंजिंग की है मैं करती रहूंगी और भी करूंगी। आस्ते आस्ते मैंने भी रमजान की तैयारी शुरू की हुई है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। आज वेदर थोड़ा चेंज था, तो मैंने सोचा अपने बेटे को मैं नहला दूं, वरना उसको ठंड की शिकायत हो जाती है, उसको नहलाओ। तो उसको मैंने आज शावर दिलवाया और ये किचन का काम किया। अब चाय की जो है ना शदीद तलब हो रही है कि एक कप चाय सब जो है वो मिल जाए। चाय पीती हूँ मैं, और इसके अलावा मुझे अभी सारे काम खत्म करके मेरा ड्राइवर नमाज पढ़ने गया हुआ है, मुझे जाना था तारिक रोड। कुछ शूज की मैचिंग्स वगैरह लानी थी, क्योंकि कुछ कपड़े जब आप बना लेते हो ना तो उसकी मैचिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो मैंने जमजमा पे भी जाके चेक किया है शूज, और दो तीन जगह पे और भी, लेकिन मैचिंग नहीं मिल रही। और मैचिंग मेरा जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैचिंग मिले। तो ये सब काम खत्म करके अभी चाय पी के मैं निकलती हूँ, जाती हूँ जाके जो है वो शूज की मैचिंग जो है वो करके आती हूँ, लेके आती हूँ, होपफुली मिल जाएगी। मैंने बड़ी मेहनत की है लेकिन मुझे कलर मिल नहीं रहा, तो फिर चलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से वो सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ, जिस डाइट को खा के या जिस सैलड को खा के मैंने अपना वेट 62 केजी से 54.5 जो है तक मैंने रिड्यूस किया। तो वो रेसिपी है, उसको आप खीरा सैलड कह लें या खीरा चाट कह लें। जब मेरा सी सेक्शन हुआ, आई डिलीवर द बेबी सिजेरियन, और जो है मेरा बच्चा पैदा हुआ, तो मैं उस वक्त मेरा वेट बहुत बढ़ चुका था, 62 केजी मेरा वेट था। फिर अब मेरा बेटा 2.5 साल का है, तो ग्रेजुअली मैंने वेट कम किया। अब करंट जो मेरा जो वेट है वो है 54.5। तो मैंने जो है मीठा बंद कर दिया था खाना, और इसके अलावा ये सैलेड जो है ना खीरे वाला, मैं तो मैंने इसका नाम रखा है खीरे वाली चाट। तो खीरा चाट जो मैंने खा के वेट कम किया है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। इट्स सो सिंपल लेकिन 100% जो है ना इफेक्टिव है।
लेकिन मुस्तकिल खाना शर्त है कि हर तीसरे दिन या चौथे दिन आप इसको बना के खाएं। इसमें सॉसेस की चेंजिंग आप कर सकते हैं, सॉसेस अपनी पसंद की डाल सकते हैं, तो जो है आप बेहतरी फील करेंगे ग्रेजुअली और चेहरे की शाइनिंग में इजाफा करेगा और वेट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद हैरत में आएंगे। एक दो दिन खाने से कोई मैजिक नहीं होगा, उसको मुसलसल खाएं और फिर आप देखें। ओके, फिर मैं रेसिपी बताती हूँ जी। तो गाइस, ये चाट बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा खीरा। खीरा आप जो है वो दोनों सूरतों में ले सकते हैं, आप इसका छिलका उतार के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और छिलके समेत भी जो है वो कटिंग करके आपको जिस तरीके से पसंद हो, लेकिन बहरहाल ये दोनों सूरतों में जो है वो इफेक्टिव होगा। सेकंड नंबर पे जो है ये जो सॉसेज मैं खाती हूँ मैं आपको वो दिखा रही हूँ, आप लोग जो है वो चेंज करके भी जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है ये इमली की चटनी जाएगी, मेयोनीज जाएगा, चिली गार्लिक सॉस जाएगी और कभी कभी मैं केचप भी डाल देती हूँ और ये मीठा चेवड़ा जाएगा। इसमें जो है ना सॉसेस की चेंजिंग्स आप कर सकते हैं, जरूरी ये शर्त नहीं है कि जो सॉसेस मैंने डाली हैं वही आप भी डालें। सबसे पहले जाएगा मेयोनीज, थोड़ा बहुत खा लेंगे कुछ नहीं होगा, पूरी रोटी खाने से बेहतर है, इतना नुकसान नहीं देगा। थोड़ी सी इमली की चटनी, ये मैं वो सॉसेस बता रही हूँ जो मैं अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालती हूँ, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर लूँ, मैं भी चेंज करती रहती हूँ ताकि आपका दिल भर ना जाए। और लास्ट में जो है ये मीठा चेवड़ा, चिली गार्लिक सॉस के बाद जो ये मीठा चेवड़ा, ये तो बहुत ही मजे का लगता है, लगता ही नहीं है कि आप खीरे की चाट खा रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे आप ना कोई छोलों की चाट या दही बड़े खा रहे हैं। और भी कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, योगर्ट भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी चिकन भी डाल सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो ये देखें, देखते हैं कितने की मजे की है ये। तो ये आप हर थर्ड डे खाएं, आपका वेट शर्तिया मैं शर्त लगाती हूँ कि गिर जाएगा आपका वेट। ओके गाइस, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट द रेसिपी। मैं तो वैसे आप लोगों को खा के दिखा रही हूँ, मुझे तो पता है मैं खाती रही हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा, इसमें आप ना अपनी मर्जी से कुछ चेंजिंग्स करते रहिएगा सॉसेस की, मीठे चेवड़े की जगह कभी नमकीन निमको डाल लिया, कभी चिप्स डाल लिए, वाओ मजेदार। ये खा के ना चटपटी चाट जैसा है, ये खा के ना डाइटिंग वाली फीलिंग नहीं आएगी मुझे, एक बंदा परेशान हो जाता ना, हाय अल्लाह। जैसे ये मैंने आज रेसिपी बताई है ना आपको, और अपने तमाम सारे राज जो है ना मैं अफशा करूंगी आप लोगों के सामने कि मैं क्या खाती रही हूँ, और मैं 62 से 62 केजी से जो है मैं 54.5 पे इतने रिड्यूस कैसे किया मैंने वेट को। तो ये जो है ना बड़ा एक दिन का करिश्मा नहीं होता, कोई जादू नहीं हो जाता, बड़ा ऑफ द कैमरा आपको बड़ा काम करना पड़ता है अपनी जात पे और बड़ा दिल मारना पड़ता है। पहले तो आपको यहाँ से फोकस करना पड़ता है कि भाई अब मुंह पे जिप लगा लेनी है और अब कोई ऐसी चीज नहीं खानी, मिठाई नहीं खानी, बेकरी आइटम नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। अच्छा, एक और बात बताओ मुझे, क्या ये बात मुझे किसी ने बताई थी और उस दिन से मैंने पॉकेट में रख ली और ये मेरी डाइटिंग में मेरे बहुत काम आई। उन्होंने बोला, किसी ने मुझे बताया था, गाइड किया था कि एनी मिस एनी चे से जो चीजें शुरू होती हैं एक डाइटिशियन थे, उन्होंने कहा वो आपने नहीं खानी चे से, चॉकलेट, चिप्स, चीनी और भी दो तीन नाम थे भूल गई हूँ, फिर भी किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो मुझे और चावल, चीनी, चॉकलेट, चिप्स, चावल और भी चीजें थी, उन्होंने कहा चे से जो चीजें है ना ये छोड़नी पड़ेंगी तो फिर यू विल रिड्यूस योर वेट इमीडिएटली, जल्दी जल्दी, इसकी शादी में जाना है, आपकी बर्थडे आ कर रखे यार, ये कपड़े अच्छे लगे हैं, सब वेट गिर जाए, जल्दी से गिर जाए। आप लोगों को देखने में अब फील होता होगा, जो कपड़े पहले मुझे फिट थे ना वो अब लूज हो गए हैं, पहनने में मजा आता है, खुद को अच्छा लगता है जब आप आईने के सामने खड़े हो ना, आप मोटे हो रहे हो, आपको डिप्रेशन शुरू हो जाता है यार बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे कपड़े, पेट निकला हुआ है, यहाँ सी हुई हुई, दूसरे लोगों को देख के आप फिर बोलते हो सबसे बड़ा मसला कि लॉन के कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते पहन के। तो आप ये ट्राई करें, इसको मुस्तकिल जिंदगी का हिस्सा बना लें, खीरा तो बेस्ट है आपकी स्किन के लिए, सब चीजों के लिए। तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे, जब आपका वेट गिरना शुरू होगा ना आप कहेंगे यार यानी सही समझाया था हम लोगों को। तो ट्राई कीजिए एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।